हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर सर्कल में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। 6 तारीख 5वां महीना 2012 का कौन सा पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही सुना, 6 तारीख 5वां महीना 2012 का। ये है दिल्ली पुलिस का प्रीवियस पेपर। आइए तो इसका करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है नंबर सिस्टम से, जिसे कहते हैं हम संख्या पद्धति। तो वो जो नंबर हमको दिया हुआ है वो मैं आपको नोट कर लेता हूँ, 3981। ये आपको नंबर दिया हुआ है 3981। और यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है आपसे। अगर मैं आपको ऑप्शन लिखने की कोशिश करके दिखाऊं तो वो आपको दिया हुआ है 90। बी वाला ऑप्शन दिया है आपको कितना, 162। और आपको सी वाला ऑप्शन दिया है जी 729। और आपको डी वाला ऑप्शन दिया है जी 6561। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा ऑप्शन की मदद से। जैसे कि आप जानते हैं ऑप्शन की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुना आपने सही, विद इन सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए देखो कैसे कर सकते हैं। देखो अब मैंने कहा कि ये इसका कितना गुना हो रहा भैया, 3 का स्क्वायर क्या हुआ भैया 9, 9 का स्क्वायर क्या हुआ भैया 81। तो 81 का क्या स्क्वायर होगा, यानी कि अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं तो हमें यहां पर क्या दिखाया गया है, 3 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 3 का। फिर ये दोबारा से हमें क्या दिखाया गया, स्क्वायर। फिर यानी कि 81 का भी स्क्वायर। अब हमें 81 का तो स्क्वायर ध्यान नहीं है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं तो स्क्वायर में क्या होता है, उसी नंबर में उसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन होती है। मान लो वो नंबर दिया हुआ है हमें 81, तो 81 में 81 की मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यानी कि 1 में 1 करनी है। विद ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 1 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। किस ऑप्शन में दिया हुआ है लास्ट में, इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैं इसकी यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस में करता हूं तो 1 आता है। 1 किसी और ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, डी। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, 20% 20 का बताना भी है तुम्हें 30%, और 30 का बताना भी है 20%। तो बताना है इनका एडिशन क्या होगा। अगर इनके एडिशन की बात करूं, हमें क्या निकालना है भैया इनका एडिशन, तो इनका एडिशन क्या होगा, 20 का भी है 30% कितना होगा, तो 20 × 30/100। एंड की बात कर रहा है तो यानी कि क्या कर रहा है हमसे, प्लस की बात कर रहा है। प्लस भैया 30 का 20% वही चीज होगी जो 20 का 30% होगी, क्योंकि डिजिट तो वही है, 2 0 से 2 0 कैंसिल भी यही है, 6 6 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया 12। अब हमें 12 जो है ना क्लियर आंसर नहीं दिया हुआ है, हमें जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अब ऑप्शनों को क्लियरिफाई करना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपको दिया हुआ है भैया 600 का 10%। पहला ऑप्शन है 600 का 10%। अगर हम 600 का 10% निकालने की कोशिश करें तो भैया जी ये कितना हो जाएगा, 60, जो कि बिल्कुल हमारा हो जाएगा गलत आंसर। अगर मैं इसके ऑप्शन बी को करने की कोशिश करूं तो उसने कहा है 1200 का कितना% भैया 10% / 100। 2 0 से 2 0 काट दिए भैया 120, ये भी गलत हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, 12। इसका ऑप्शन सी देखते हैं तो 1200 का 1%, 1200 का 1% क्या होगा भैया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कितना आ गया, 12। 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा जी सी। 15 मिनट में 3/16 भर जाता है, 15 मिनट में कितना भर जाता है भैया, 3/16। ये हमें दिया हुआ है टाइम, ये दिया हुआ है भैया टोटल। अब एक चीज बताओ, अगर हमारी कोई चीज टोटल 16 है, अगर हमें एक चीज बताओ, अगर हमारी कोई चीज टोटल 16 है, 16 में से 3 हो रहा है, तो कितना बचा हमारे पास, 13। कितना बचा जी हमारे पास, 13। अगर कोई चीज हमारी 16 है, 16 में से 3 हो रहा है, तो हमारे पास कितना बचा, कितना बचा जी, 13। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं तो भैया 3 कार्य है, यानी कि जो भी हो रहा है वो कितने मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में। वो तो तुमसे पूछ रहा है जो 13 कार्य है वो कितनी मिनट में होगा, यानी कि यहाँ क्या होगा, अब तुम्हें ये बताना है। तो इसे करने के लिए क्या करते हैं, अगर मैं इनको यहां से मान लो एरो हटा दूं तो तुम्हें करना क्या है, इनकी करनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मान लो इसकी जगह पे मैं लेट एक्स मान लेता हूं, क्या मान लिया भैया इसकी जगह पे एक्स। अब तुम्हें क्या करना है, ये क्या हो जाएगा जी, 3x = 13 × 15, x = 13 × 15/3, 3×5 = 15, x = 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में। अगर भैया मैं अगर आपको लिखने की कोशिश करूं तो इधर लिखूंगा मैं मैथ, इधर लिखूंगा मैं इंग्लिश, इधर लिखूंगा मैथ, इधर लिखूंगा इंग्लिश। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो मैथ प्लस इंग्लिश में,
भैया सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं यानी कि फेल होके आ रहे हैं, सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं यानी कि फेल होके आ रहे हैं, जो कि आईआईटी में क्या लेंगे एडमिशन। देखो भैया ये मैथ में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जी दोनों में फेल है, उनका हमें परसेंटेज दे रखा है 30% विद्यार्थी गणित में जी 30% जी गणित में फेल हो रहे हैं। आगे क्या है भैया 25% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 25% भी अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। कुछ ऐसे महानुभाव हैं कि जो दोनों में हो रहे हैं जी, वो कितने परसेंट है जी 15%। अगर वो 15% है तो एक चीज मुझे तुम बताने की कोशिश करना, अगर कोई चीज होती है तो अपने आप में 100 होती है जी, अगर कोई चीज होती है तो अपने आप में 100% होती है, यानी कि टोटल जब तक बच्चे ना तो पास थे ना तो फेल थे तो कितने परसेंट होंगे 100%। बिल्कुल सही जवाब आपका सर 100%। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर 30% मैथ में फेल हो रहे हैं, 25% इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और दोनों में जो फेल हो रहे हैं वो 15 हो रहे हैं, यानी कि जो 15 है वो इसमें भी है, जो 15 है इसमें भी है, क्या करता हूं मैं इसमें से घटा देता हूं। अगर जी मैं 30 में से 15 घटाता हूं तो जी 15% आ जाता है, कितना आ जाता है जी 15%। अगर मैं 25 में से 15 घटाता हूं जी कितना आ जाएगा जी 10%। और भैया ये दोनों में फेल होने वाले ही हैं, कितने परसेंट 15%। अगर मैं टोटल फेल की काउंटिंग पूछूं, अगर मैं टोटल आपसे फेल की काउंटिंग पूछूं तो टोटल फेल की काउंटिंग क्या होगी 15 + 10 + 15%, इट मींस योर आंसर इज बिकम्स 40%। कितना हो जाएगा जी 40%, यानी कि टोटल फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है जी 40%, यही आपसे पूछा है। अब एक चीज बताओ, अगर टोटल फेल होने वाले बच्चों की संख्या 40% है तो पास होने वालों की कितनी होगी सर 60%, क्योंकि टोटल छात्र हमारे पास कितने होते हैं 100% जी। बिल्कुल यही आपका जवाब, तरीका बढ़िया भाई कुछ ये कह रहा है 625% का भैया तुम्हें बताना है क्या होगा 25, तुम्हें बताना भैया 625% का क्या होगा 25, इट मींस बटे 100। अगर मैं इन्हें काटने की कोशिश करूं सर 625 को 25 बार इससे 4 बार, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो 25 मल्टीप्लाई इधर जो चीज होती है उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 4/25, तो 25 से 25 कैंसिल, इट मींस x = 4, यही आपका आंसर हो जाएगा सर। बस जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं ये किससे होगा, ऑप्शन से ही आप इसको देख के सॉल्व कर दोगे अगर आपको स्क्वायर याद है, नहीं हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ हम पॉइंटों की काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद सीधे से अपना आंसर टिक कर देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है हमारा भैया जी 0.016 × 0.016। अगर मैं इनके ऑप्शन लिखने की बात करूं जी, ए ऑप्शन अगर आपको दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है आपको 25.6, अब बी ऑप्शन अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूं वो दे रहा आपको 256, अगर सी की बात करता हूं सर मैं वो आपको दे रखा है जी 0.00256, डी भैया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं पॉइंट की बात करूं, हमें इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ने वाला कि ये किसका स्क्वायर है किसका स्क्वायर नहीं है, हमें क्या देखना है इनके बीच का प्रोडक्ट। अगर तुम जानते हो पॉइंट एक अंक बाद होता है और किसी नंबर में दोबारा से पॉइंट दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तुम क्या करते हैं पॉइंट ऐड करते हैं, यानी कि अगर मैं इधर देखने की बात करूं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि ऑप्शन जो मेरा होगा आंसर का वो क्या होगा उसमें 0.6 डिजिट के बाद होगा जी। बिल्कुल आपने सही सुना, कहां होगा 0.6 डिजिट के बाद होगा। अब हमें देखना है पॉइंट कहीं नहीं है 6 डिजिट के बाद, यहां नहीं है यहां नहीं है और यहां भी F5 में दे रखा है यहां नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया डी नन ऑफ दीज। तो हमें इसे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं जी 16 में 16 की गुणा करते हैं तब पॉइंट लगाते हैं, अरे भाई एक बार बताओ 16 का स्क्वायर होता है 256, गुणा करने की क्या जरूरत है, अगर तुम फिर भी कुछ नहीं जानते तो गुणा कर लो फिर भी तुम्हें बाद में तो पॉइंट काउंट करने ही होंगे ना भाई। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पॉइंट कहां दे रखा है 5 के बाद 1 के बाद यहां दे ही नहीं रखा, तो हमारा आंसर कहां जाएगा डी पे। बिल्कुल चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत मैं अगर तुमसे कहूं ना कि ये हलवा है बिना चाय के साथ खाओगे आप तो बहुत खुश हो जाओगे आप, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। जैसे कि मैं लिखूं आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है, अगर रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन सबसे इजी होगा भैया, 3:4
इक्वल्स टू तुम्हें दे रखा है भैया 6:n। अब तुम्हें बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब तुम एक चीज बताओ, अगर मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश करूं तो ये क्या होता है सर, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं लिखूं इसे तो मैं लिखूंगा सर 6 × 4 इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाई 3। इट मीन्स योर वैल्यू इज बिकम 6 × 4 / 3, 3×2 = 6, देन योर आंसर इज बिकम्स 8। योर आंसर इज 8। ओके, कौन सा हुआ आपका आंसर? 8। जो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा आप उसी को टिक कर दोगे, ठीक है जी। चलो तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी नंबर सिस्टम का दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है। बस ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप देखते ही उनका आंसर टिक कर दोगे, क्योंकि ये ज्यादातर लॉजिकली नहीं होते हैं। इनमें क्या होता है, नंबर क्रम बाई क्रम एड करते ये चला जाता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को शो करने की कोशिश करूं तो ये होगा सर 1, 3, 7, 13, 21। यहां पूछ रहा है तुमसे क्या होगा, और यहां होगा सर 43। अब आप एक चीज बताने की मुझे कोशिश करोगे, वो कोशिश क्या होगी सर, 1 में हम क्या जोड़े 3 हो जाए प्लस के 2, 3 में क्या जोड़े 7 हो जाए प्लस के 4, 7 में क्या जोड़े भैया 6 जोड़ दो, इसमें क्या जोड़ेंगे भैया 8 जोड़ दिए, इसमें क्या जोड़ेंगे भैया 10 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं 10, 21 में 10 जोड़ते हैं तो सर हर कोई बच्चा बता देगा कितना होता है 31। और आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपसे क्या कहना चाह रहा है, उसने कहा है एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5:6, 2 के रेशियो में दे रखे हैं, और वो तुमसे पूछ रहा है यदि थैले में कुल 1260 रुपए हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। अगर उसने आपको पैसे दे रखे हैं 50 पैसे, 25 पैसे, आप सोच रहे होगे उसने 100 पैसे तो कहीं दे नहीं रखा है, इसका मतलब उसने हमें क्या दे रखा है 1 रुपी। अगर हमें कंपैरिजन निकालना है तो भैया हम सेम यूनिट में निकालते हैं, अगर यहाँ पैसे यहाँ पैसे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए पैसे, इसीलिए मैंने रुपए को कन्वर्ट कर दिया पैसे। अगर मैं उससे कहूं अगर 5:6, 2 में दे रखा है उसके पास 50 पैसे के सिक्के, तो कितने सिक्के हुए उसके पास भैया जी, 250 पैसे हुए उसके पास। हाँ या ना भाई, बोल दो हाँ। उसके बाद यहाँ कितने हुए भैया 25 सिक्के, 150 पैसे हुए यहाँ। उसके बाद यहाँ कितने हुए भैया 200 पैसे। अगर मैं इन सबको जोड़ूं, अगर मैं इन सबको जोड़ने की बात करूं तो भैया आ जाएगा आपका निकल के 600 पैसे। भैया पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग लाएंगे, कितने रुपए निकल के आ गए भैया 6 रुपए। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि 50, हाँ जी आपसे पूछ रहा है वो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। भैया 1260 रुपए उसने हमें टोटल दे रखे हैं, हमारा निकल के आया 6 × 5, अगर 50 पैसे की पूछ रहा है तो 5 इससे काट दो भैया, 5 × 2 = 10, 6 × 12 = 6, 210। 210 में अगर हम 5 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा भैया जी 1050। कितना आएगा भैया जी 1050। 1050 यही होगा सर आपका आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो सर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ हमें क्या लिखना है, मेन वर्क और क्या लिखना है, मेन वर्क और डे। एक तरफ लिखना है हमको मेन, एक तरफ लिखना है वर्क, एक तरफ लिखना है डे। सर हमें क्या लिखना है, एक तरफ मेन, एक तरफ वर्क, एक तरफ डे। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यदि 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं, हमें सीक्वेंस ऐसे ही रखना है। वो कह रहा है 10 आदमी 10 काम 10 दिनों में कर सकते हैं, तो फिर आपसे क्या पूछ रहा है, तो 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में करेंगे। तो वो कह रहा है 5 आदमी 5 काम कितने दिनों में करेंगे, ये बताना है आपको। सीक्वेंस ऐसे ही रखना है, बिना फॉर्मूला बिना कुछ। मैं सीधा सीधा आपको फंडा बता देता हूं। देखो क्या है वो फंडा, अगर मैं तुमसे कहने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसमें यहां पे मल्टीप्लाई और यहां पे मल्टीप्लाई, ठीक है भैया जी, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। अगर मैं सीधा सीधा इन्हें लिखने की कोशिश करूं तो सर क्या लिखूंगा मैं, 10 × 5 × 10 / 5 × 10, यानी कि 5 से 5 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा भैया 10। यही होगा सर आपका आंसर, क्या होगा भैया 10, यही होगा सर आपका आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है केवल 2 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए चुनाव में, भैया नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है केवल 2 प्रत्याशियों के बीच लड़े गए चुनाव में, लड़े गए चुनाव में अगर 2 प्रत्याशी हैं तो, 2 प्रत्याशी हैं तो सबसे पहले एक बार बताओ कितनी वोट डलती होंगी, 100%
यानी कि जितनी वोट डालेंगे उनको हम क्या कह सकते हैं 100%। अगर दो प्रत्याशी हैं भाई, इतना तुम भी जानते हो इतना हम भी जानते हैं कि भैया एक तो विन होगा एक लूजर होगा, यानी कि एक लूज होगा एक विन होगा। अब उसने आपसे क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि पड़े मतों की 56% तो भैया एक प्रत्याशी को पास हुए मिले हैं जो पास हुआ यानी कि विन हुआ है, बचा कितना भैया अगर एक बात बताओ 100 में से 56 विन वाले को मिल गए तो 44 किसको मिले भैया, लूजर को जो हार चुका है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्राप्त कर 1440 मतों से जीत गया, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो, कुल पड़े मतों की संख्या ज्ञात करो। वो कह रहा है कि 1440 वोटों से जीत गया। एक बात बताओ अगर मैं परसेंटेज में आपसे वैल्यू पूछू तो क्या होगी भैया, 56 टोटल वो जीता हुआ है, 44 आखिरकार वो जीता कितने से है भैया, कितने से जीता है 12% से, कितने से जीत गया भैया 12 से, तो मैं 12 की वैल्यू दे रखी है 1440 है ना, हमें कितने की निकालनी है 100 की निकाल दो भैया, 12 का स्क्वायर भैया 144 होता है, तो यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं तो कितनी वोट हो गई भैया, वो 12,000 कितनी हो गई जी 12,000। चलो तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, और आपने पढ़ा होगा एक और चैप्टर होता है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को वर्ग एंड वर्गमूल, और क्यूब एंड क्यूब रूट को कहते हैं भैया घन और घनमूल। चलो तो हमारा क्वेश्चन है क्यूब पे, वो कह रहा है कि तुम्हें बताना है जो 729 है ना वो किसका क्यूब है, तुम्हें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में बता देता हूं। ए ऑप्शन दे रखा है आपको 20, बी ऑप्शन दे रखा है कितना आपको 22, सी ऑप्शन दे रखा है आपको कितना भैया जी 25, और डी वाला ऑप्शन दे रखा है आपको कितना दे रखा है जी 27। अब आपको बताना है ये किसका क्यूब है, यानी कि सॉरी किसका स्क्वायर है, यानी कि आपको इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अगर मैं एक बात तुमसे कहूं सीधा सीधा बताऊं तो भैया स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि उसी नंबर में उसी नंबर की गुणा, अगर मैं 20 में 20 की गुणा करता हूं तो 0 में 0 की गुणा 0, यानी कि ये तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है भैया 9, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब उसी नंबर में उसी नंबर की गुणा, भैया 2 में 2 की गुणा करी तो 4, हमें लाना क्या है 9, ये भी नहीं हो सकता, हमें क्या लाना है भैया 9, स्क्वायर का मतलब भैया उसी नंबर में उसी नंबर की गुणा, 5 में 5 की गुणा करी तो भैया 25, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 5, हमें क्या लाना है 9, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है, अगर इसको आप निकालना भी नहीं चाहते तो सीधा टिक कर दो, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए तो चौथा खुद ही होगा, लेकिन आप पढ़ रहे हो कोचिंग कर रहे हो है ना, तो आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो भैया, 7 में 7 की गुणा करते हैं तो 49, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो हमें यही चाहिए था, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा डी।